दिस इज द नाइट क्लास ऑफ द 14th November 1966। बच्चे जो प्रदर्शनी सर्विस में रहते हैं, फॉर द चिल्ड्रन हु रिमेन बिजी इन द सर्विस ऑफ द एग्जीबिशन, क्या ये डिफिकल्ट बात है? इज इट अ डिफिकल्ट थिंग? तो अक्सर करके समझा नहीं सकते। दैट यूजुअली दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्या? वॉट? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी मीनिंग एग्जीबिशन। कौन सी प्रदर्शनी? विच एग्जीबिशन? श्री चैतन्य प्रदर्शनी। समवन सेड द लिविंग एग्जीबिशन। यू आर डायरेक्टली सेइंग द लिविंग एग्जीबिशन। बेसिक नॉलेज में जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, और एडवांस में है चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। इन द बेसिक नॉलेज देर इज द एग्जीबिशन ऑफ द नॉन लिविंग पिक्चर्स, एंड इन द एडवांस नॉलेज देर इज द एग्जीबिशन ऑफ द लिविंग पिक्चर्स। तो अगर अवस्था अपनी बनी हुई है तो चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी समझाने में कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। सो इफ अवर स्टेज इज ऑलरेडी डेवलप्ड, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन द एग्जीबिशन ऑफ द लिविंग पिक्चर्स। बहुतों से मिलना होता है इसमें प्रदर्शनी। वी हैव टू मीट मैनी पीपल वेयर इन द एग्जीबिशन। प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं ना देखने के लिए। मैनी पीपल कम टू सी द एग्जीबिशन डोंट दे? क्या क्या प्रश्न आते हैं? लिख भेजना चाहिए। ऑल द क्वेश्चंस दैट आर रेज्ड शुड बी सेंट इन रिटर्न टू बाबा। बाप तो बहुत सहज है, सर्व का सदति दाता, बाप तो एक है। द टॉपिक इज वेरी इजी, द गिवर ऑफ ट्रू लिबरेशन सदगति दाता इज द वन फादर। और ऊंचते ऊंचे भगवान भी वही है। एंड ही अलोन इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई गॉड। क्या? व्हाट? ऊंचते ऊंचे भगवान, हाईएस्ट ऑफ द हाई गॉड। भगवान भी ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे होते हैं। आर गॉड्स ऑल्सो द हाईएस्ट ऑफ द हाई एंड द लोएस्ट ऑफ द लो? भगवान भी ऊंचे नीचे होते हैं क्या? आर गॉड्स ऑल्सो हाई एंड लो? होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। फिर क्यों बोला? आर दे और नॉट? समवन सेड दे आर नॉट, दे आर नॉट, देन व्हाई वॉज इट सेड? समवन सेड ही कम्स इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड। नो, ऊंचते ऊंचे माना सबसे ऊंचे। हाईएस्ट ऑफ द हाई मीन्स द हाईएस्ट। इसका मतलब ऊंचते ऊंचे भगवान भी है। इट मीन्स दैट देयर इज द हाईएस्ट गॉड। और कोई ऐसे भी है जो भगवान बन करके तो बैठ जाते हैं। एंड देर आर सम लाइक दिस एज वेल हु डू सिट एज गॉड, लेकिन है नीचते नीचे कर्म करने वाले। बट दे आर द वंस हु परफॉर्म द मोस्ट डिग्रेडेड एक्शंस इन रियलिटी। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है जो ऊंचे ऊंचे है। ही अलोन इज कॉल्ड द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हु इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई। क्या कहा जाता है उनको? परम पिता। वॉट इज ही कॉल्ड? परम पिता। पिताओं में सबसे परम, परे से परे रहने वाला। द सुप्रीम अमंग ऑल द फादर्स, द वन हु लिव्स द मोस्ट बियॉन्ड। उससे ऊंचे परे की स्टेज में रहने वाला कोई भी पिता नहीं। देर इज नो अदर फादर हायर देन हिम हु लिव्स इन अ स्टेज बियॉन्ड। वो मनुष्य सृष्टि का पिता नहीं है। ही इज नॉट द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। कौन? हु? जो परे के परे रहने वाला है। द वन हु लिव्स द मोस्ट बियॉन्ड। वो कौन है? शिव बाप। हु इज ही? द फादर शिव। वो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, वो जब संपन्न स्टेज को प्राप्त करता है
तो उससे भी परे की स्टेज में रहने वाला है सुप्रीम सोल। द सुप्रीम सोल इज द वन हु लिव्स इन अ स्टेज दैट इज इवन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड हु अटेन्स द परफेक्ट स्टेज। इसलिए कहा वो परे से परे परम पिता है। दैट इज वाई इट वॉज सेड ही इज द वन हु इज द मोस्ट बियॉन्ड ही इज द सुप्रीम फादर। उसका पिता कोई भी नहीं, वो सबका पिता है। He does not have any father. He is everybody's father. बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। He is even the father of the fathers. He is the father of even the religious fathers. और धर्म पिताओं का भी जो बाप प्रजापिता कहा जाता है, एडम कहा जाता है, आदम कहा जाता है, उसका भी बाप है। कौन? एंड ही इज इवन द फादर ऑफ द फादर ऑफ द रिलीजियस फादर्स हु इज कॉल्ड प्रजापिता एडम आदम हु द फादर शिव। सब इनके बच्चे हैं परम पिता के। ऑल आर हिज चिल्ड्रन द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम फादर। इसलिए बच्चों को आकर के दुख करके दुख से छुड़ाते हैं। That is why he comes and liberates the children from sorrow. आकर के दुख से छुड़ाते हैं। Does he come and liberate them from sorrow? या आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं और चले जाते हैं, फिर बच्चे अपने आप दुख से छूटते रहते हैं। और does he come, narrate the knowledge, narrate the murlis and depart? And then the children liberate themselves from sorrow on their own? नहीं, आकर के बच्चों को दुख से छुड़ाते हैं। उनको दुख से छुड़ाने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। No, he comes and liberates the children from sorrow. He has to come himself to liberate them from sorrow. ऐसे नहीं कि वो आए ज्ञान सुना के चले जाए फिर बच्चे अपने आप दुख से छूटते रहेंगे। इट इज नॉट दैट ही कम्स नरेट्स द नॉलेज एंड डिपार्ट्स देन द चिल्ड्रन विल कीप बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम सोरो ऑन देयर ओन। या जो समझू से आने बच्चे हैं वो खुद अपने को दुख से छुड़ाते रहेंगे और दूसरों को भी छुड़ाते रहेंगे। नहीं, और दैट द इंटेलिजेंट एंड क्लेवर चिल्ड्रन विल लिबरेट देमसेल्स एज वेल एज द अदर्स फ्रॉम सोरो। नो, कोई कोई ऐसे समझ लेते क्या? सम चिल्ड्रन थिंक लाइक दिस व्हाट? कि वो ऊंचे ऊंचे बाप ब्रह्मा के तन में आया। दे थिंक द हाइएस्ट ऑफ द हाई फादर केम इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। आकर के ज्ञान सुना के चला गया। ही केम नरेटेड द नॉलेज एंड डिपार्टेड। अब दुख से हम अपने आप छूटते रहेंगे। नाउ वी विल लिबरेट अवरसेल्स फ्रॉम सोरो ऑन अवर ओन। और अपने फॉलोअर्स को छुड़ाते रहेंगे। एंड इनेबल अवर फॉलोअर्स टू बी लिबरेटेड फ्रॉम सोरो। बाप कहते हैं मैं ही उचित हूँ इसलिए कहा जाता हूँ कि मैं खुद ही आकर के बच्चों को छुड़ाता हूँ दुख से। द फादर सेज I alone am called the highest of the high because I myself come and liberate the children from sorrow. बाप आकर के भारत को स्वर्ग बनाते। The father comes and makes Bharat, that is India, into heaven, स्वर्ग। सारे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये नहीं कहा सारी दुनिया को स्वर्ग बनाते। He makes the entire Bharat into heaven. It was not said that he makes the entire world into heaven. भारत को स्वर्ग बनाते आकर के। He comes and makes Bharat into heaven. वो गुरु लोग क्या समझते हैं? What do those gurus think? गांधी जी क्या समझते थे? राम रामराज जी लाएंगे। What did Gandhi ji used to think? He will bring the kingdom of Ram. ये गांधी जी का काम नहीं है। दिस इज नॉट द टास्क ऑफ गांधी जी। ब्रह्मा के तन में बाप आया,
ब्रह्मा भी शरीर छोड़ के चला गया। द फादर केम इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा डिड लीव हिज बॉडी एंड वेंट अवे। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा के तन में बाप आया चला गया, अब हम सुख धाम और शांति धाम स्थापन कर लेंगे। सो यू शुड नॉट थिंक द फादर केम इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा एंड देन डिपार्टेड। नाउ वी विल एस्टेब्लिश द अबोड ऑफ हैप्पीनेस सुख धाम एंड द अबोड ऑफ पीस शांति धाम। ईंटों के शांति धाम सुख धाम स्थापन करना कोई बड़ी बात नहीं। इट इज नॉट अ बिग थिंग टू एस्टेब्लिश द शांति धाम एंड सुख धाम मेड ऑफ ब्रिक्स। ये तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी महलमाड़ियां अटारियां बनती रहती हैं। वेरी बिग पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द वर्ल्ड। उनको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता। दे आर नॉट कॉल्ड हेवन। छोटे छोटे बच्चे चकाचौंध से चमत्कृत होते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन आर मेजमराइज्ड बाय द ग्लिटर। जो समझदार है वो कभी भी चकाचौंध में नहीं आते हैं। दोज हु आर इंटेलिजेंट दे आर नेवर मेजमराइज्ड बाय द ग्लिटर। वो समझते हैं कि बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाने वाला है। They understand it is the father alone who comes and transforms Bharat into heaven. इस समय पुरानी दुनिया नरक है, रावण राज्य है। Now the old world is hell. It is the kingdom of Ravan. सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर, अभी कलयुग है। There was the golden age, then came the silver age, and then the copper age. Now it is the iron age. फिर इसके बाद सतयुग आना जरूर है, कलयुग विनाश होना है। Then after this the golden age is bound to come. The iron age is going to be destroyed. बड़ी से बड़ी लड़ाई है। It is the biggest war. ऐसे ही कलयुग नहीं खलास हो जाएगा। The iron age will not be destroyed simply. बड़ी से बड़ी लड़ाई का नाम क्या दिया है? महाभारत। महाभारत ग्रह युद्ध। वॉट इज द नेम गिवन टू द बिगेस्ट वॉर? द मैसिव सिविल वॉर ऑफ महाभारत। इसका ताना बाना बुना जा चुका है। इट्स वॉप एंड वेफ्ट हैज ऑलरेडी बीन वोवन। महाभारत क्यों कहा गया? व्हाई हैज इट बीन नेम्ड महाभारत? महाचीन कह देते, महा अमेरिका कह देते, महा अरब देश कह देते, महा ऑस्ट्रेलिया कह देते। दे कुड हैव नेम्ड इट महाचीन, दैट इज महा चाइना, महा अमेरिका, महा अरब कंट्री और महा ऑस्ट्रेलिया। महाभारत क्यों कहा? भारत निर्वाह पर्पलेसी। क्योंकि ये लड़ाई भारत से ही निकलती। व्हाई डिड दे नेम इट महाभारत? इट इज बिकॉज दिस वॉर बिगिन्स फ्रॉम इंडिया ओनली। भारत में ही ऐसा ताना बाना बुना जाता है जो और देश में नहीं बुना जाता। द वॉप एंड वेफ्ट दैट इज वोवन इन जस्ट इंडिया इज नॉट वोवन इन एनी अदर कंट्री। कारण कि भारत दिव्यतम सब धर्मों का बर्थ प्लेस है। वॉट इज द रीजन? द रीजन इज दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द रिलीजन्स। पहले तो एक देवताई धर्म था जिसे बाद में हिंदू कहा गया। Initially, there was only one deity religion, which was later named Hinduism. और दूसरे धर्म तो थे ही नहीं। There weren't the other religions at all. पहले एक भारत खंड ही था, दूसरे धर्म खंड थे ही नहीं। Initially, there was only the land of India. The other religious lands did not exist at all. भारत से ही सब निकलते, भारत मातृपिता का देश है। All the religions emerge from India itself. India is the country of the mother and the father. जैसे बच्चे माता पिता से निकलते हैं, वैसे भारत भी माता पिता का देश है। Just as the children are born from the parents, similarly, India is also the country of the mother and the father. इस भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी जास्ती तादाद में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में रहते हैं, उतनी ज्यादा परसेंटेज में और किसी भी देश में नहीं रहते। नो अदर कंट्री हैज अ पॉपुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस
एज मच एज इंडिया हैज। और वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में जितनी यहाँ लड़ाई करते हैं उतना और किसी देश में आपस में मुठभेड़ नहीं होती। एंड द एक्सटेंट टू विच दोज हिंदूज मुस्लिम्स सिख्स एंड क्रिश्चियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स हियर दे डोंट फाइट अमंग देमसेल्व्स इन एनी अदर कंट्री टू दैट एक्सटेंट। जितने धर्म भारत में है भारत में पनप रहे हैं उतने धर्म और किसी देश में नहीं पनपते। As many religions there are in India, as many religions are prospering in India, no other country has that many religions prospering in them. जितने धर्म खंड वालों ने भारत में राजाई की है, दिल्ली के ऊपर राज किया है। The extent to which people belonging to different religious lands have ruled India, have ruled Delhi, सब धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज किया। People belonging to all the religions have ruled Delhi. और कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ सब धर्म वालों ने राज किया हो। There is no other country where people belonging to all the religions have ruled. ये भारत ही देश एक ऐसा है जहाँ ज्यादा से ज्यादा भाषाएं चल रही है और भाषाओं के आधार पर बहुत झगड़ा भी चल रहा है। India alone is the country where a maximum number of languages are being spoken, and based on the languages, many disputes are also going on. जब भाषाएं बहुत अनेक हो जाती हैं, धर्म अनेक हो जाते हैं, तो यहाँ जातियाँ भी अनेक हैं। When the number of languages increase a lot, when the number of religions increases, then there are numerous castes also here. जितनी जातियाँ भारत देश में है इतनी जातियाँ और किसी भी देश में नहीं। नो कंट्री हैज एज मेनी कास्ट एज इन द कंट्री ऑफ इंडिया। जातियों को लेकर के जातिवाद को लेकर के कितना झगड़ा है अंदर अंदर आग सुलग रही है। देर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स बिकॉज ऑफ द वेरियस कास्ट बिकॉज ऑफ रेशलिज्म द फायर इज किंडलिंग विद इन। भाषावाद जातिवाद धर्मवाद और जितनी राजनीतिक पार्टियां यहाँ हैं। एज इज द नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज द एक्सटेंट टू विच देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट द लैंग्वेजेस एंड देयर यूज रेशलिज्म कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट रिलीजियस मैटर्स हियर। उतनी राजनीतिक पार्टियों का जखीरा और किसी भी देश में। देर आंट दोज मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी अदर कंट्री। इतना विभेद बढ़ जाता है इतना अंदर अंदर शीत युद्ध चलता है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। द डिफरेंसेस इंक्रीज सो मच देर आर कोल्ड वॉर्स इंटरनली टू सच एन एक्सटेंट दैट एन एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम। इसलिए बोला इस भारत देश में महाभारी महाभारत गृह युद्ध होता है जो गृह युद्ध सारी दुनिया को चपेट में ले लेता है। दिस इज वाई इट वॉज सेड द मैसिव सिविल वॉर ऑफ महाभारत दैट टेक्स द एंटायर वर्ल्ड इन इट्स इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस इन दिस कंट्री ऑफ इंडिया। कब? व्हेन? जब भगवान बाप आकर के यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते। व्हेन गॉड द फादर कम्स एंड ऑर्गेनाइजेस द रुद्र ज्ञान यज्ञ हियर। रुद्र ज्ञान यज्ञ मीन्स रुद्रास यज्ञ ऑफ नॉलेज। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से यह अग्नि प्रचलित होनी है। दिस फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज टू बी इग्नाइटेड फ्रॉम दिस रुद्र ज्ञान यज्ञ। चिंगारी कहाँ से लगेगी? फ्रॉम वेयर विल द स्पार्क बी इग्नाइटेड? दुनिया में भी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था इवन इन द वर्ल्ड व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी विनाश हुआ था द डिस्ट्रक्शन दैट टुक प्लेस इन दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय भारत में भगवान आ चुका था। गॉड हैड ऑलरेडी अराइव्ड इन इंडिया एट दैट टाइम। प्रत्यक्ष नहीं हुआ ही वॉजंट रिवील्ड। यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। द फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज इग्नाइटेड अलॉन्ग विद द एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द यज्ञ कुंड मीनिंग pit for sacrificial fire in which ritual fires are made
where oil and other items are offered. Here it means the divine family established by the father. यज्ञ कुंड में भी विभेद पैदा हो चुका था. A difference of opinion arised in the यज्ञ कुंड as well. उस समय भी भेद पैदा हुआ. जो आदि में हुआ वो अंत में फिर बरकरार. A difference arose at that time and whatever happened in the beginning is continuing now in the end again. अग्नि प्रज्वलित होनी जरूर है. The fire definitely has to be ignited. और हम बच्चों को ही संपन्न करनी. And we children have to accomplish it ourselves. That is, make the final offering. तो ये महावाणी महाभारत है, नाम तो है ना, अक्षर है, तो उनको सारा समझाया जाता है. So this name of महाभारी महाभारत certainly exists, doesn't it? There are these words, so everything about them is explained. ये है महाभारत की लड़ाई, भक्ति मार्ग का भी अंश है. This is the war of महाभारत. There is a trace of the path of bhakti, meaning devotion as well. शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लिखी है. So many legendary stories have been written in the scriptures. बात समझाते हैं कि मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को पढ़ करके मनुष्यों का क्या हाल हुआ है. The father explains about what condition the human beings have reached by reading these scriptures prepared by the human beings. बाप कोई कहते हैं कि उसे लिबरेट करो, इसलिए फिर बाप को आना पड़ता है. They tell the father himself, liberate us from sorrow. So the father has to come. बुलाते हैं, आओ गॉडफादर, आकर के हमारी रक्षा करो. They call him saying, God the father, come. Come and save us. दुश्मन रावण भी खड़ा है, रावण का चित्र भी बनाया हुआ है. The enemy Ravan is also standing in front of us. Ravan's picture has also been prepared. चित्र किस बात की यादगार होती है? Pictures are memorials of what? जरूर है, कोई चेंट करने वाला है तो चित्र बनाया जाता है. Certainly there is someone who has performed actions accordingly. So the pictures are prepared. रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं. रावण इज डिपिक्टेड विथ 10 हेड्स. 10 मुख क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि 10 मुखों से 10 प्रकार की बातें करता है. व्हाई इज ही शोन विथ 10 माउथ्स? इट इज बिकॉज ही टॉक्स इन 10 डिफरेंट वेज थ्रू द 10 माउथ्स. 10 मुख एक जैसे आकार प्रकार के होते हैं या छोटे बड़े होते हैं? Are all the 10 heads of a similar size and shape or are they small and big? छोटे बड़े होते हैं. They are small and big. कोई धर्म लंबे समय से आता है, कोई धर्म थोड़े समय से आता है. Some religions came into existence a long time ago and some religions came into existence a short time ago. तो उन धर्मों के जो भी मुखिया है वो दिखाई गए रावण के 10 सिरों. सो ऑल द हेड्स ऑफ दोज रिलीजन्स हैव बीन डिपिक्टेड एज द 10 हेड्स ऑफ रावण. अपनी अपनी बातें बोलते रहते. दे कीप नरेटिंग देयर ओन वर्ड्स. कहते ना ये तो दो मुंह से बात करता है, दो मुहा है. इट इज सेड ही गिव्स डबल टॉक्स, ही इज दो मुहा. Meaning the one who has two mouths, isn't it? और यहाँ तो 10 मुहा है. रावण कितने मुख वाला है? 10 मुख वाला. And here he has 10 mouths. How many mouths does Ravan have? He has 10 mouths. कहते हैं शंकर जी को एक बच्चा था, वो 6 मुख वाला था. It is said शंकर जी had a child. He had 6 faces. वो कितने मुख से बोलता था? छह मुख से बात करता. थ्रू हाउ मेनी माउथ्स डिड ही यूज टू स्पीक? ही स्पोक विथ 6 माउथ्स. और शास्त्रों लिख दिया है कि शंकर जी से 6 मुख वाले की लड़ाई हुई. एंड इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट पर्सन विथ 6 माउथ्स हैड अ फाइट विथ शंकर जी. अब ये 6 मुख कोई दूसरे मुख थोड़े ही है. वेल दीज 6 माउथ्स आर नॉट सम अदर माउथ्स. इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन
मुस्लिम, सन्यासी, सिख, ये मुख्य जो धर्म है उनको सपोर्ट करने वाला है। He is the supporter of the main religions like Islam, Buddhism, Christianity, the Muslim religion, Sannyas, Sikhism. Vidharmiyon ko support karta hai. He supports the Vidharmis, meaning those whose beliefs and practices are opposite to that set by the father. Swadharmi baap ko support nahi karta, to ye do hai. He does not support the Swadharmi father. Swadharmi means belonging to one's own country. So, a fight takes place. छह मुखों से बात करता है। He speaks through six mouths. ऐसे ही रावण। Similar is the case with रावण। विष्णु को एक सिर दिखाते हैं और रावण को दस सिर दिखाते हैं। क्यों? विष्णु is shown to have one head and रावण is shown to have 10 heads. Why? विष्णु एक सिर वाला और चार भुजाओं वाला। विष्णु पजेसेस वन हेड एंड फोर आर्म्स, माने एक मत पर से चल करके और चार भुजाओं से सहयोगी बनता है। इट मीन्स दैट ही फॉलोज वन डायरेक्शन एंड बिकम्स अ हेल्पर थ्रू द फोर आर्म्स। विष्णु की भुजाएं हैं अनेक, लेकिन सिर अनेक नहीं, माने अपनी मनमत या दूसरे मनुष्यों की मत पर नहीं चलता है। Vishnu does possess many arms, but he doesn't have many heads. It means he does not follow the opinion of his mind or the opinion of the other human beings. एक ही मत पर चलता है और सहयोगी बनता है। वो अनेक भुजाओं और आर्म। He follows the opinion of the one and becomes a helper through many arms. And what about Ravan? रावण एक मत पर नहीं चलता, नहीं एक मत पर चलाता है। रावण डज नॉट फॉलो वन डायरेक्शन, नीदर डज ही इनेबल अदर्स टू फॉलो वन डायरेक्शन। नहीं एक मत देता है, अनेक मत देता है। नॉर डज ही गिव वन डायरेक्शन, ही गिव्स मेनी डायरेक्शंस। तो अनेक मत उससे होती है दुर्गति और एक मत से होती है सदगति। So many opinions lead to degradation, durgati, and one opinion leads to true liberation, sadgati. ये राज है क्या मुखों का? This is the secret of what? The secret of the mouths. ऐसे नहीं कि शास्त्रों में जो भी चित्र बनाए हैं तो वो बिना किसी अर्थ के बनाए हुए हैं, नहीं। It is not that all the pictures that have been prepared in the scriptures are meaningless. No. शास्त्र तो फिर भी बाद में बनाए गए, जब द्वापर युग थोड़ा बीत चुका था। In fact, the scriptures have been prepared later on, when the copper age had passed away a little. चित्र तो एकदम द्वापर के आज में बनाए गए, 2,500 साल पहले। The pictures were prepared in the very beginning of the copper age. About 2000 to 2500 years ago. और खासकर वो चित्र मालूम है कहाँ बनाए गए? And do you know at which place were those pictures specially prepared? Someone must have said in India. भारत में तो बनाए गए, लेकिन भारत के किस हिस्से में वो चित्र बनाए गए? They were certainly prepared in India, but in which part of India were those pictures prepared? अरे अरे लो, जहाँ बनाए गए थे वो लोग ही नहीं जानते हैं, स्थान। Look, the people belonging to the place where the pictures were prepared themselves do not know about it. Someone said something. No, tell me about the place. वो चित्र बनाए गए महाराष्ट्र में। Someone said Ajanta. Yes, those pictures were prepared in Maharashtra. कहाँ बनाए गए? महाराष्ट्र। Where were they prepared? महाराष्ट्र, meaning the great nation. उन चित्रों में सच्चाई थी। Those pictures contained truth. आदमी जो शास्त्र बने
वो भी सतो प्रधान थे, उनमें भी सच्चाई थी। द स्क्रिप्चर्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग वर ऑल्सो सतो प्रधान मीनिंग कंसिस्टिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी देयर वॉज ट्रूथ इन देम टू। चित्रों के आधार पर वो चरित्र करने वाले प्रत्यक्ष हुए और शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया। द एक्टर्स हु प्ले दोज एक्ट्स वर रिवील्ड थ्रू द पिक्चर्स एंड दे वर डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स। पहले चित्र बनते हैं, बाद में शास्त्र बनते हैं। फर्स्ट द पिक्चर्स आर प्रिपेयर्ड एंड लेटर द स्क्रिप्चर्स आर प्रिपेयर्ड। जब मनुष्य ज्यादा तमो प्रधान होते गए तो कलाकारी खत्म होने लगी। वेन द ह्यूमन बींग्स बिकेम मोर एंड मोर तमो प्रधान मीनिंग डोमिनेटेड बाय डार्कनेस और इग्नोरेंस द आर्ट स्टार्टेड वैनिशिंग। चित्रकला खलास हुई और मोहबक्का होने लगी। द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग केम टू एन एंड एंड नरेशन थ्रू द माउथ बिगेन। जैसे जैसे मुहबक्का बनते गए वैसे वैसे उनके इंटरप्रिटेशन में गलतियां आती है। एज पीपल स्टार्टेड नरेटिंग मिस्टेक्स स्टार्टेड टू बी फाउंड इन देयर इंटरप्रिटेशन। एक एक शास्त्र की अनेक प्रकार की टीकाएं बनने लगी। मेनी काइंड्स ऑफ कॉमेंट्रीज वर मेड फॉर ईच एंड एवरी स्क्रिप्चर। जैसे गीता है, गीता की सैकड़ों टीकाएं हो गई। फॉर एग्जाम्पल द गीता हंड्रेड्स ऑफ कॉमेंट्रीज ऑन द गीता हैव बीन प्रिपेयर्ड। सैकड़ों प्रकार के अर्थ हो गए, एक अर्थ नहीं मिलता दूसरे से। हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग्स केम अप द मीनिंग गिवन इन वन इंटरप्रिटेशन डज नॉट मैच विथ अनदर वन। तो अनेक मतें हो गई ना। सो मेनी ओपिनियंस इमर्ज्ड डिडंट दे। अनेक मतों से आदमी भ्रम में पड़ जाता है। द ह्यूमन बीइंग बिकम्स कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ मेनी ओपिनियंस। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आखिर सत्य क्या है। द इंटेलेक्ट इज पजल्ड थिंकिंग अबाउट अल्टीमेटली व्हाट इज द ट्रूथ। बाप आकर के कहते हैं ये दुनिया में जो कुछ भी सुनाया जा रहा है वो सब झूठ बन चुका है। द फादर कम्स एंड सेज व्हाटएवर इज बीइंग नरेटेड इन दिस वर्ल्ड हैज बिकम फॉल्स। अब कलयुग के अंत में तो ये हाल हो गया है। नाउ एट द एंड ऑफ द आयरन एज द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम सच कि झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। खाना पीना, बोलना रहना, खाना चलना, सब कुछ झूठ हो गया। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना मीनिंग ईटिंग ड्रिंकिंग स्पीकिंग लिविंग वॉकिंग एंड एवरीथिंग हैज बिकम फॉल्स। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बाप आकर इस झूठ खंड का खुलासा करते हैं और सच खंड की स्थापना। When the condition of the world becomes like this, the father comes and ends this land of falsity and establishes the land of truth. पहले क्या करते हैं? What does he do first? पहले सच खंड की स्थापना करते हैं कि झूठ खंड को खलास करते हैं। Does he establish the land of truth first or does he destroy the land of falsity first? क्यों क्यों सच्चाई की स्थापना होती जाएगी क्यों क्यों झूठ अपने आप खलास होता जाएगा। Someone said both the things take place simultaneously. As truth is established, falsity will be destroyed automatically. तो ये भक्ति मार्ग का अंश है। So this is a trace of the path of bhakti. शास्त्रों में ये जो दंत कथाएं लिखी हुई है वो मनुष्यों की लिखी हुई। The legendary stories mentioned in the scriptures have been written by human beings. तो बाप कहते हैं मनुष्यों द्वारा बनाए हुए इन शास्त्रों को पढ़कर के क्या करेंगे। So the father says, what will we do by reading these scriptures prepared by human beings? दुर्गति को पाएंगे। उनसे कल्याण होता नहीं। Someone said, we will degrade. They do not bring about welfare. अच्छा नहीं हुआ कल्याण, अब बाप आते हैं। अच्छा वेलफेयर वॉज नॉट ब्रॉट अबाउट, नाउ द फादर कम्स। बाप आते हैं, ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं
उस समय कुछ न कुछ कल्याण तो होता होगा ना कि नहीं होता है। When the father comes and speaks through the mouth of Brahma, there will certainly be some benefit, won't there? Or does it not take place? Brahma अगर मुख से बोलते हैं तो भी कल्याण होता है, फिर ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं। Welfare is brought about even when he speaks through the mouth of Brahma. Later, Brahma leaves the body. फिर क्या करते हैं? Then what do they do? फिर ब्रह्मा के मुख से बोले हुए जो भी बातें हैं वो कागजों में छपाई जाती है। Then whatever was spoken through the mouth of Brahma is printed on sheets of paper. और ब्राह्मण उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। And the Brahmins read them, listen to them and narrate them to others. तो उनसे कल्याण होगा? नहीं। क्यों नहीं कल्याण होगा? भगवान की बताई हुई बात है। So will welfare be brought about through them? Someone said, no. Why not? They are the words narrated by God. नहीं, भगवान जब डायरेक्ट मुख से सुनाता है तभी परिवर्तन होता है। Someone said, they mix the opinion of their mind. No, when God narrates through the mouth directly, only then does the transformation take place. भगवान के मुख से जो डायरेक्ट बैठ करके सुनते हैं उनका ही परिवर्तन होता है। Only those who sit and listen to the words narrated through the mouth of God directly are transformed. भगवान की बोली हुई बात जब छपाई दी जाती है या लिख करके सुनाई जाती है तो उसमें अंतर पड़ जाता है। When the words said by God are printed or noted down and then narrated, then a difference appears in it. जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दो तो सारा क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पॉट फुल ऑफ मिल्क एंड इफ अ ड्रॉप ऑफ स्नेक वेनम इज पुट इन टू इट, देन वॉट विल द एंटायर मिल्क टर्न इन टू? इट विल टर्न इन टू पॉइजन। तो बताया, सो इट वॉज सेड। मुरली में क्लैरिफिकेशन दिया, अ क्लैरिफिकेशन वॉज गिवन इन द मुरली बाय मेंशनिंग, तुम बच्चे जो डायरेक्ट सुनते हो षण्मुख बैठ करके वो है फर्स्ट क्लास माल। वॉट एवर यू चिल्ड्रन लिसन टू डायरेक्टली बाय सिटिंग फेस टू फेस विद द फादर, दैट इज द फर्स्ट क्लास मटेरियल। और टैप रिकॉर्ड भी एक्यूरेट सुनाता है, वो है सेकंड क्लास माल। एंड द टेप रिकॉर्डर ऑल्सो प्लेस द वर्ड्स एक्यूरेटली, दैट इज द सेकंड क्लास मटेरियल। और कागज पर लिख करके छपा करके जो सुनाया जाता है और सुना जाता है वो है थर्ड क्लास। एंड द मटेरियल दैट इज रेड आउट आफ्टर राइटिंग इट और प्रिंटिंग इट ऑन पेपर एंड व्हेन इट इज लिसन्ड टू, इट इज द थर्ड क्लास मटेरियल। अभी तो गवर्नमेंट ने भी कई साल से सालों साल हो चुके जब से ट्रेन में थर्ड क्लास खत्म कर दिया। Now, even the government has removed the third class compartments from the trains for many years. तो जब गवर्नमेंट ने जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने उसी ने थर्ड क्लास खत्म कर दिया। So when the government, the unrighteous government itself has removed the third class compartments. तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने थर्ड क्लास रखा होगा क्या? Then will the righteous government have retained the third class material? रखा है। अच्छा, आप में से कोई थर्ड क्लास माल पढ़ता है, सुनता है? अ ब्रदर, इट हैज बीन रिटेन्ड, हैजंट इट? हैज इट बीन रिटेन्ड? अच्छा, डज एनीवन फ्रॉम अमंग यू रीड और लिसन टू द थर्ड क्लास मटेरियल? समवन सेड नो। कोई नहीं सुनता? अरे कोई सुनता हो, ब्रह्म कुमारियों में जाता हो कभी कभी? नहीं जाता। अच्छा, डजंट एनीबडी लिसन टू इट? अरे, देयर माइट बी समवन हु लिसन्स टू देम, ही माइट बी गोइंग टू द ब्रह्म कुमारीज समटाइम्स। मेनी सेड नो, नोबडी गोज देयर। अच्छा, सब सेकंड क्लास, गुड सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास मान लेने वाले? अच्छा, डज एवरीवन टेक द सेकंड क्लास, गुड सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास मटेरियल? मेनी सेड यस। अच्छा, तो इन शास्त्रों को हम पढ़ करके क्या करेंगे? सो व्हाट विल वी डू बाय रीडिंग दीज स्क्रिप्चर्स? 63 जन्म से हम इन शास्त्रों को पढ़ते चले आए, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ।
वी हैव बीन रीडिंग दीज स्क्रिप्चर्स फॉर 63 बर्थ्स. देर वॉज नो बेनिफिट एट ऑल. दो धर्म पिताएं भी आते हैं तो वो आकर के शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं. वेन दोज रिलीजियस फादर्स ऑल्सो कम, डू दे कम एंड रीड आउट द स्क्रिप्चर्स? या डायरेक्ट आकर के मुख से बोलते हैं? शास्त्र पढ़ के सुनाते. और डू दे कम एंड स्पीक डायरेक्टली थ्रू द माउथ? समवन सेड दे रीड आउट द स्क्रिप्चर्स. कौन धर्म पिता है? इब्राहिम बुद्ध का है. आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं. दोज रिलीजियस फादर्स इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट मेनी सेड दे स्पीक डायरेक्टली थ्रू द माउथ. दे कम एंड एस्टेब्लिश देयर रिलीजन्स. इस शक्ति में जो गिरती हुई शक्ति है, गिरती हुई शक्ति रूपी मकान है, उसको टाइम टू टाइम जगह जगह आकर के रिपेयर करती है. दे कम एंड रिपेयर दिस वर्ल्ड द डिग्रेडिंग वर्ल्ड द डिग्रेडिंग हाउस लाइक वर्ल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स. तो क्या वो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं तब रिपेयर कर पाते हैं या लिख करके और पढ़ करके सुनाते हैं? सो आर दे एबल टू रिपेयर वेन दे नरेट डायरेक्टली थ्रू देयर माउथ और डू दे राइट डाउन देयर टीचिंग एंड देन रीड इट आउट? डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं तो मकान फिर रिपेयर भी होता है. दे नरेट डायरेक्टली थ्रू द माउथ सो द हाउस इज ऑल्सो रिपेयर्ड. यहाँ तो बाप आकर के नया मकान बनाते हैं. हियर द फादर कम्स एंड मेक्स अ न्यू हाउस. सब कुछ नया बताते हैं. ही नरेट्स एवरीथिंग न्यू. कोई भी पुरानी बातें नहीं नहीं बताते. नित नित नए नए राज समझाते हैं. ही डज नॉट नरेट एनी ओल्ड थिंग. He keeps explaining new secrets daily. कहते हैं तुम बच्चों को जब तक जीना है तब तक पीना है. He says you children have to drink the water of knowledge until you are alive, that is body conscious. तो तुम इन शास्त्रों को चाहे दुनियावी शास्त्रों चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्रों तुम इन शास्त्रों को पढ़ करके क्या करेंगे? So, whether they are the worldly scriptures or the scriptures of the Brahmin world, what will you do by reading these scriptures? कुछ करेंगे? Will you do anything? कुछ नया राज निकालेंगे? नहीं. Will you bring out some new secrets out of them? No. बाप खुद ही आकर के सब राज की बातें बताते. The father himself comes and narrates all the secrets. अच्छा वो तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे. इफ दो सो कॉल्ड ब्रह्मा कुमार कुमारी से कि तुम्हारा गुरु भी तो पढ़ करके सुनाता है. योर गुरु ऑल्सो नरेट्स आफ्टर रीडिंग द मुरली. हमारी मुरली पढ़ करके क्यों सुनाता है? व्हाई डज ही रीड आउट अवर मुरली? तब आप क्या जवाब देते? देन व्हाट डू यू रिप्लाई टू देम? तुम्हारे लौकिक बाप की क्या मुरली है? ये तो भगवान की मुरली है ना, तुम्हारे लौकिक बाप की मुरली. अरे तो पढ़ करके क्यों सुनाता है? अ ब्रदर दिस इज गॉड्स मुरली इजंट इट? दिस इज नॉट योर लौकिक फादर्स मुरली. अरे देन व्हाई डज ही रीड इट आउट? स्टूडेंट ही इज द टीचर इजंट ही? तुम्हारा भगवान डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाता? Why doesn't your God narrate directly? A brother said he gives the clarification of the Murli. Teacher का काम ही होता है clarification. हाँ तो clarification दे ना, पढ़ करके क्यों सुनाता है? A mother said the very job of a teacher is to give the clarification. Yes, then he should give the clarification. Why does he read it out? है? Teacher नहीं. School में teacher. उनको बताओ. ये पढ़ने का काम कृष्ण बच्चे का है जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में है. समवन सेड अ टीचर ऑल्सो नरेट्स आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट. नो टेल देम द टास्क ऑफ रीडिंग इज ऑफ द चाइल्ड कृष्णा हु इज इन द बॉन्डेज ऑफ द सटल बॉडी. वो अभी संपन्न नहीं बना है, वो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई अभी चल रही है. He has not become perfect yet. That child Krishna is studying now. कृष्ण बच्चा मुरली हाथ में लेकर के पढ़ता है.
द चाइल्ड कृष्णा टेक्स द मुरली इन हिज हैंड्स एंड रीड्स इट। कहेंगे कृष्ण बच्चा मुरली हाथ में लेकर के पढ़ता है। दे विल से द चाइल्ड कृष्णा टेक्स द मुरली इन हिज हैंड्स एंड रीड्स इट। कृष्ण का जन्म तो बाबा ने संदेशी को बताया कि नेपाल में हुआ। बट बाबा हैज टोल्ड द संदेशी मीनिंग ट्रांस मैसेंजर दैट कृष्णा वॉज बॉर्न इन नेपाल। तुम्हारे यहाँ आकर के कहाँ से हिंदुस्तान में पढ़ाई पढ़ने लगा? तब क्या जवाब देंगे? हाउ डिड ही कम टू योर प्लेस इन हिंदुस्तान दैट इज इंडिया एंड स्टार्टेड स्टडिंग द नॉलेज? देन वॉट विल बी योर रिप्लाई? तो उनको जवाब देना पड़े, अरे वो स्थूल नेपाल की बात नहीं है। देन यू विल हैव टू रिप्लाई टू देम, अरे इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल नेपाल। नेपाल माने नई दुनिया के पाल, नई दुनिया को पालना करने वालों का जखीरा। नेपाल मीन्स द ग्रुप ऑफ दोज हु सस्टेन द न्यू वर्ल्ड। जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं उनका संगठन। इट इज अबाउट द गैदरिंग ऑफ दोज हु सस्टेन द न्यू वर्ल्ड। उनका वो स्थान जहाँ वो इकट्ठे होते हैं। द प्लेस वेयर दे गैदर, वो है बेहद का नेपाल। दैट इज नेपाल इन द अनलिमिटेड। उस बेहद के नेपाल में कृष्ण बच्चे ने जाकर के जन्म लिए। द चाइल्ड कृष्णा इज बॉर्न इन दैट नेपाल इन द अनलिमिटेड। उस नेपाल में जाकर के जन्म नहीं लिया, विदेश में। He didn't have his birth in that Nepal, in the foreign country. वो विदेश है कि स्वदेश है? वो तो विदेश हो गया। Is it a foreign country, विदेश or our own country, स्वदेश? Someone said a foreign country. It is a foreign country. जैसे पाकिस्तान विदेश है वैसे नेपाल भी विदेश है। Just as Pakistan is a foreign country, Nepal is also a foreign country. कृष्ण भारत में जन्म लेता है या विदेश में जन्म लेता है? भारत में जन्म लेता है। इज कृष्णा बॉर्न इन इंडिया और इन अ फॉरिन कंट्री? ही हैज हिज बर्थ इन इंडिया। तो उसने बेहद का जन्म लिया है। सो ही वॉज बॉर्न इन द अनलिमिटेड। कृष्ण बच्चे ने, कृष्ण की सोल ने, दादा नेत्रराज ने जन्म लिया। द चाइल्ड कृष्णा द सोल ऑफ कृष्णा दादा लेखराज वॉज बॉर्न। जैसे बाप जन्म लेते हैं वैसे बच्चा जन्म लेता है। जस्ट एज द फादर हैज अ बर्थ द चाइल्ड इज बॉर्न इन द सेम वे। बाप कोई तन में प्रवेश करते हैं तो दिव्य जन्म होता है, ऐसे ही वो कृष्ण बच्चा भी प्रवेश करता है। वेन द फादर एंटर्स सम बॉडी इट इज अ डिवाइन बर्थ। सिमिलरली दैट चाइल्ड कृष्णा ऑल्सो एंटर्स सम वन। किस में प्रवेश करता है वो भी मुरलियों ने बताई है। In whom does he enter? That has also been mentioned in the Murlis. इशारा दे दिया। A hint was given. गांधी मरा, राजकोट में कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर के जन्म लिया। When Gandhi died, he had a birth in the family of a big and rich congressman at Rajkot. ये तो गांधी जी की बात है, यहाँ क्यों सुनाते हो? दे विल से दिस इज अबाउट गांधी जी, वाई डू यू से दिस हियर? अरे वो हद का गांधी जी था और ये बेहद का गांधी जी था। अरे दैट वन वॉज गांधी जी इन द लिमिटेड एंड दिस वन वॉज गांधी जी इन द अनलिमिटेड। कहता रहता था राम राज्य लाएंगे और ये राम राज्य की बजाय क्या हो गया? और ही राम राज्य हो गया। ही केप्ट सेइंग वी विल ब्रिंग अबाउट द किंगडम ऑफ राम, we will bring about the kingdom of Ram, but instead of the kingdom of Ram, what was created? The kingdom of Ravan was created all the more. जो कहते थे, आवाज लगाते थे, राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य ला नहीं सका। He used to cry out, we will bring about the kingdom of Ram, but he could not bring about the kingdom of Ram. राम राज्य राम लाएगा या कोई मनुष्य की आत्मा लाएगी? राम राज्य तो राम ही लाएगा। विल राम ब्रिंग अबाउट द किंगडम ऑफ राम और विल अ ह्यूमन सोल ब्रिंग इट? राम अलोन विल ब्रिंग अबाउट द किंगडम ऑफ राम। वो दुनिया वाले भी कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे। दोज पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो से वी विल बिल्ड द टेम्पल ऑफ राम। मंदिर बने घर। मंदिर मीन्स हाउस। अरे
राम का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? अरे व्हाई विल यू बिल्ड द टेम्पल ऑफ राम? राम अपना मंदिर अपना घर अपने आप बना लेगा, तुम क्यों बनाओगे? उसमें अपनी इतनी ताकत नहीं है बनाने की। राम विल बिल्ड हिज टेम्पल हिज हाउस ऑन हिज ओन, व्हाई विल यू बिल्ड इट? डजंट ही हैव इनफ पावर टू बिल्ड अ हाउस? फिर तुम राम भगवान कहते हो? देन यू कॉल हिम गॉड राम। राम भगवान का मंदिर तुम क्यों बनाओगे? व्हाई विल यू बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड राम? बाप कहते हैं अभी कृष्ण की सोल राजकोट में। द फादर सेज नाउ द सोल ऑफ कृष्णा इज इन राजकोट। माना जो बेहद का गांधी है वो राजाओं के किले में जन्म ले चुका है। इट मीन्स दैट द गांधी इन द अनलिमिटेड हैज ऑलरेडी बीन बॉर्न इन द फोर्ट ऑफ द किंग्स। कोई बड़े कांग्रेसी के साहूकार कांग्रेसी। इन द फैमिली ऑफ अ बिग कांग्रेस मैन अ रिच कांग्रेस मैन। वॉट? साहूकार कांग्रेसी है उसके यहाँ जन्म लिया। ही हैज बीन बॉर्न इन द फैमिली ऑफ अ रिच कांग्रेस मैन। वो हर युग के अंत में साहूकार बनता है। ही दैट इज द कांग्रेस मैन बिकम्स अ रिच पर्सन एट द एंड ऑफ एवरी एज। क्या? वॉट? जब सतयुग था तो सतयुग में जो आठवां नारायण था वो लोन लेता था और लोन लेकर के अपनी राजाई चलाता था। वेन इट वॉज द गोल्डन एज द एट्थ नारायण इन द गोल्डन एज यूज टू टेक अ लोन फ्रॉम हिम एंड रूल्ड हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ दैट लोन। लोन लेते लेते जब बहुत कर्जा चढ़ गया तो सारी राजाई उसकी लोन में डूब गई। वेन ही वॉज इंडेटेड सो मच वाइल टेकिंग लोन्स कंटिन्यूअसली हिज एंटायर किंगशिप वॉज रूइंड इन दैट लोन। और जिससे लोन लिया वो थी राम वाली यात्रा। एंड द वन फ्रॉम होम ही टुक द लोन कंटिन्यूअसली वॉज द सोल ऑफ राम। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। इट इज सेड राम राजा राम प्रजा राम साहूकार मीनिंग राम इज अ किंग राम इज अ सब्जेक्ट एंड राम इज अ वेल्दी पर्सन। हर युग के अंत में बड़ा साहूकार बनता है। ही बिकम्स अ बिग वेल्दी पर्सन एट द एंड ऑफ एवरी एज। संगम युग में ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार बनता है। इन द कॉन्फ्लुएंस एज ही बिकम्स वेरी रिच विद द जेम्स ऑफ नॉलेज। उन चार युगों में अंतिम जन्म में स्थूल रत्नों का साहूकार बनता है। इन द फोर एजेस इन द लास्ट बर्थ ही बिकम्स रिच विद फिजिकल जेम्स। तो सतयुग के अंत में जो फर्स्ट जो लास्ट नारायण है वो अपनी सारी राजाई लोन में राम को अर्पण करते हैं। So, at the end of the golden age, the last Narayan offers his entire kingship to Ram in order to repay the loan. Shooting कहाँ होती है? संगम। Where does the shooting take place? In the confluence age. संक्षेत्र में सतयुग की शूटिंग कहाँ हो गया? In the year 1976, the golden age shooting ended. जो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया का राजा था वो हवाई जहाजों में घूमने में लगा हुआ था। द किंग ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स एट दैट टाइम वॉज बिजी वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन एयरप्लेन्स। जो काम करना चाहिए ब्राह्मणों को वो नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग द टास्क दैट द ब्राह्मण्स शुड परफॉर्म। ब्राह्मणों का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? ज्ञान का लेन देन करना। वॉट इज द टास्क ऑफ द ब्राह्मण्स? वॉट इज देयर मेन टास्क? टू एक्सचेंज नॉलेज। तो ज्ञान का मनन चिंतन करना मंथन करना ज्ञान का लेन देन करना ज्ञान माने मुरली। सो थिंकिंग एंड चर्निंग द नॉलेज एक्सचेंजिंग नॉलेज नॉलेज मीन्स द मुरली। शिव बाप ने जो कुछ ब्रह्मा द्वारा बोला उन बातों का गहराई में अवगाहन करना। अंडरस्टैंडिंग डीपली द वर्ड्स सेड बाय द फादर शिव थ्रू ब्रह्मा। उन बातों में तो बुद्धि लगा ली जा था। So he was not keeping his intellect busy in those things. वो तो दुनिया में हवाई जहाजों के चक्कर काट रहा था मान मर्तबा ले रहा था। He was taking a trip around the world in the airplanes. He was obtaining respect and position. तो राजाई डूबेगी या राजाई मिलेगी? डूबेगी। कर्जा चढ़ गया। So will his kingship be ruined
or will he receive the kingship? Everyone said it will be ruined. So he was indebted. किसका कर्ज चढ़ गया? राम जी. To whom was he indebted? Someone said the father Ram. उस राम वाली आत्मा का कर्ज चढ़ गया जिसने मुरलियों का मंथन किया, मनन चिंतन किया और उसमें से नए नए ज्ञान रत्न निकाला. He was indebted to the soul of Ram who churned the murlis, thought over the topics of the murlis and extracted the new gems of knowledge from them. तो सत्यों के आदि में भी साहूकार होता है. So he is a rich person at the end of the golden age. और त्रेता के अंत में भी साहूकार होता है. इतना बड़ा साहूकार होता है कि उसका बच्चा राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ा मंदिर बनाता है. As well as at the end of the silver age, he is such a big wealthy person that his child king Vikramaditya builds a very big temple. और उस मंदिर में ढेर सारे हीरे रतन जवाहरात पन्ना और ढेर सारा धन संपत्ति लगाई जाती. एंड इन दैट टेम्पल अ लॉट ऑफ डायमंड्स, जेम्स, ज्वेलरी, इमरल्ड एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी आर इन्वेस्टेड. द्वापर के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है. ही बिकम्स अ बिग वेल्दी पर्सन इवन एट द एंड ऑफ द कॉपर एज. इतना बड़ा साहूकार बनता है जो दिलवाड़ा मंदिर है ना. ही बिकम्स सच अ ग्रेट वेल्दी पर्सन दैट द दिलवाड़ा टेम्पल. देखा है कितनी लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है. हैव यू सीन हाउ इट इज स्प्रेड ओवर सच अ वास्ट प्लेस. वो दिलवाड़ा मंदिर की जगह जब खरीदता है. When he purchases the land for the Dilwara temple, तो जो पहले सोने का मोहर होती थी. Earlier there were coins of gold. रुपया पहले सोने का होता था. तो सोने की मोहरें उस सारी जमीन में बिछाकर वो सारी जमीन खरीदी थी. Earlier the currency was made up of gold. So he spread out the golden coins on the entire land he needed for building the temple and purchased it. क्या? What? एक बरत गज में सोने की मोहरे बिछा दो तो गड़ा भर जाता है, कलश भर जाता है. If you spread gold coins on a square yard of a land, a pot, an urn is filled up with those coins. अब कितने कलश होंगे? Now, how many pots will he have invested? तो इतना बड़ा साहूकार का लिख के अंत दो द्वापर के अंत में होता है. So he is such a great wealthy person at the end of the copper age. इसी तरह कलयुग के अंत में भी बड़ा साहूकार बनता है. Similarly he becomes a very rich person at the end of the iron age as well. क्या? इसका भागीदार था. What? Whose partner was he? दादा लेखराज का भागीदार. He was the partner of दादा लेखराज. कितने हिस्से का हकदार था? आधे का हकदार. हाउ मच शेयर वॉज इंटाइटल्ड टू हिम? ही वॉज इंटाइटल्ड टू हाफ द शेयर. तो दादा लेखराज जब इतने बड़े साहूकार थे तो उसका भागीदार भी साहूकार. सो वेन दादा लेखराज हिमसेल्फ वॉज सो रिच, हिज पार्टनर विल ऑल्सो बी रिच. फिर संगम युग आता है. देन द कॉन्फ्लुएंस एज अराइव्स. संगम युग में भी वो हर युग की शूटिंग के अंत में बहुत बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार बनता है. इवन इन द कॉन्फ्लुएंस एज एट द एंड ऑफ द शूटिंग ऑफ एवरी एज ही बिकम्स अ पर्सन वेरी रिच इन द जेम्स ऑफ नॉलेज. तो सत्यों की शूटिंग 76 में पूरी होती है. सो द शूटिंग ऑफ द गोल्डन एज इज कम्प्लीटेड इन द ईयर 76. और जो आर्य समाजी है बहुत लिटरेचर छपाता है. एंड द वन हु इज एन आर्य समाजी हु हैज अ लॉट ऑफ लिटरेचर प्रिंटेड. आर्य समाजी लिटरेचर बहुत छपाते. इट इज सेड इन द मुरली द आर्य समाजी प्रिंट लिटरेचर अ लॉट. आखिरी जगह में वो क्या होता है? वॉट इज ही इन द लास्ट बर्थ? आखिरी जगह में आर्य समाजी ही था ना. इन द लास्ट बर्थ ही वॉज एन आर्य समाजी वॉजेंट ही. तो उसके हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता आ जाती है. किसके हाथ में? जगदीश भाई क्या. So the entire power of the yagya comes in his hands. In whose hands? In the hands of Jagdish Bhai. लेकिन जो ब्राह्मणों का धंधा करना चाहिए वो धंधा नहीं किया.
बट ही डिड नॉट डू द बिजनेस ऑफ द ब्राह्मण्स दैट ही शुड हैव डन। तो राजा के हाथ से सारी चट हो गई, किसके पास चली गई? सो द एंटायर किंगशिप स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज हैंड्स। टू होम वॉज इट ट्रांसफर्ड? राम साहूकार के पास सारी राजाई चली जाती। द एंटायर किंगशिप इज ट्रांसफर्ड टू राम द वेल्दी पर्सन। तो बताया कि राम वाली आत्मा साहूकार बनती है। सो इट वॉज सेड द सोल ऑफ राम बिकम्स रिच। राजा भी बनती है और प्रजा भी बनती है और दासवासी भी बनती है। इट बिकम्स अ किंग एज वेल एज अ सब्जेक्ट एंड अ दास दासी मीनिंग सर्वेंट टू। क्या? वॉट? दास दासी भी बनती है और चांडाल भी बनती है। इट बिकम्स अ सर्वेंट एंड इट ऑल्सो बिकम्स अ चांडाल मीनिंग दोज हू क्रिमेट द कॉप्सेस। शास्त्रों में कोई राजा की कथा आई है जो चांडाल बनता है? राजा हरिश्चंद्र। इन द स्क्रिप्चर्स इज द स्टोरी ऑफ सम किंग मेंशनड हु बिकम्स अ चांडाल किंग हरिश्चंद्र। क्या है उनका टाइटल? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वॉट इज हिज टाइटल? ट्रूथफुल किंग हरिश्चंद्र। कौन सी युग में दिखाया? इन विच एज इज ही शोन टू एग्जिस्ट? उन्होंने तो सतयुग में दिखाई दी है, बात कहाँ की है? की बात। दे हैव शोन हिम इन द गोल्डन एज। टू विच टाइम डज इट दैट इज द स्टोरी पर्टेन? इट इज अबाउट द कॉन्फ्लुएंस एज। तो अभी ये सब चल रहा है। सो नाउ ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजाई भी स्थापन हो रही है, दास दासीपन अभी स्थापन हो रहा है, महाराजाई भी स्थापन हो रही है। किंगशिप द सब्जेक्ट्स प्रजाई द नेचर ऑफ सर्वेंट्स एज वेल एज द एम्परशिप इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। जो चाहे सो अभी बन सकता है। वॉट एवर समवन विशेस ही कैन बिकम दैट नाउ। लेकिन उसका राज क्या है? बट वॉट इज इट्स सीक्रेट? क्यों दास दासी बनते हैं? क्यों चांडाल बनते हैं? वाई डू दे बिकम सर्वेंट्स एंड मेड्स? वाई डू दे बिकम चांडाल? अ मदर आस्क्ड बाबा व्हाई डू दे बिकम चांडाल? चांडाल इसलिए बनते कि देते हैं, ले लेते। दे बिकम चांडाल बिकॉज फर्स्ट दे गिव समथिंग एंड देन टेक इट बैक। द मदर सेड नो हरिश्चंद्र ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ। कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा ब्रह्मा बाबा के साथ? He might have made an agreement with Brahma Baba. फिर लड़ाई हुई तो सारा ले लिया। Then, when there was a dispute between them, he, that is the partner, took everything back. अगर ले लिया तो अगले जन्म में रईस बनेगा या गरीब बनेगा? If he took it back, will he become rich or poor in the next birth? क्या बनेगा? गरीब बने में जन्म लेगा ना? तो गरीब बने में जन्म मिलता। What will he become? He will be born in a poor family, won't he? So he is born in a poor family. राम फेल हो गया ना? राम फेल हो गया तो जाओ तुम अपने हिस्से की ज्ञान कर ले जाओ। राम फेल्ड डिडंट ही? राम फेल्ड सो इट हैज बीन सेड इन द मुरली गो टेक अवे योर शेयर ऑफ जेम्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के बाण ले जाओ। टेक द एरोज ऑफ नॉलेज। फेल हुआ तो उसको बाण मिल गया। ही फेल्ड सो ही रिसीव्ड द एरोज। धनुष मिला और बाण मिला तो बाण ले जा। ही गॉट अ बो एंड एरोज सो ही वॉज सेट टू टेक द एरोज एंड गो। अब बाण चलाओ और अपनी राजाई कमाओ। नाउ शूट द एरोज एंड अर्न योर किंगशिप फॉर योर सेल्फ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। नाउ यू वोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस यज्ञ। जब बाप कोई नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी नहीं मिलता। When the father himself doesn't get anything, the children do not get anything either. यज्ञ के आज में वो बच्चे भी गए और बाप भी गए। In the beginning of the यज्ञ those children as well as the father went away. तो ये महाभारत
ग्रह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। सो दिस मैसिव सिविल वॉर ऑफ महाभारत इज स्टैंडिंग अहेड। बाहर की दुनिया में तो बाद की बात है। एज रिगार्ड्स द वॉर इन द आउटसाइड वर्ल्ड इट विल हैपन लेटर। पहले कहाँ खड़ा हुआ है? वेयर इज इट स्टैंडिंग फर्स्ट? पहले ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा, खून की नदियाँ बहेंगी। फर्स्ट द मैसिव सिविल वॉर ऑफ महाभारत इज स्टैंडिंग अहेड इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स। द रिवर्स ऑफ ब्लड विल फ्लो। वॉट विल दोज फॉलोइंग द बेसिक नॉलेज किल दोज फॉलोइंग द एडवांस नॉलेज। एवरी वन सेड इट इज द ब्लड ऑफ थॉट्स। नो, हियर एवरीथिंग इज इन द अनलिमिटेड। वहाँ लड़ाइयों में हद का खून बहता है। देयर इन दोज फिजिकल वॉर्स द ब्लड फ्लोज इन द लिमिटेड। वो दुनिया में क्रांतियाँ होती है तो हद का खून बहता है और यहाँ संकल्पों का खून बहता है। वेन रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन दैट वर्ल्ड द ब्लड फ्लोज इन द लिमिटेड एंड वॉट इज इट हियर? हियर द ब्लड ऑफ थॉट्स फ्लोज। सत्य असत्य का युद्ध है। इट इज अ वॉर ऑफ ट्रूथ एंड अनट्रूथ। सत्य के पट्टे पर पांडव चलते हैं, राम संप्रदाय चलता है। द पांडवास फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। द कम्युनिटी ऑफ राम फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ। राम संप्रदाय होते हैं मुठ्ठ भर थोड़े से। दोज बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ राम आर अ हैंडफुल अ फ्यू। और रावण संप्रदाय होते हैं ढेर के ढेर। एंड दोज बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ रावण आर न्यूमरस। कौरव थे 100 और पांडव थे 5। ये तो सिर्फ एक गिनती गिना दी गई। देयर वर 100 कौरवास एंड 5 पांडवास। दिस इज जस्ट अ फिगर दैट हैज बीन मेंशनड। ऐसे नहीं कि कौरव 100 ही थे। इट इज नॉट दैट देयर वर जस्ट 100 कौरवास। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ है तो शास्त्रों में लिखा है 18 अक्षौणी सेना थी। इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट व्हेन द महाभारत वॉर टुक प्लेस देयर वाज एन आर्मी ऑफ 18 अक्षौणी, मीनिंग अ फिक्स्ड काउंट ऑफ आर्मी विथ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इन्फेंट्री कैवलरी एटसेट्रा। और एक एक अक्षौणी में लाखों लाखों की तादाद में हाथी गिनाए गए, घोड़े गिनाए गए, घुड़सवार गिनाए गए, हाथी सवार गिनाए गए, रथ सवार गिनाए गए, पैदल गिनाए गए। एंड ईच अक्षोणी वॉज सेट टू कंसिस्ट ऑफ लैक्स ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, हॉर्समैन, एलिफेंट राइडर्स, चैरियट राइडर्स एंड फुट सोल्जर्स। वास्तव में जो संख्या वहाँ गिनाई गई है वो संख्या आज की सारी दुनिया की जनसंख्या है। एक्चुअली द नंबर दैट हैज बीन मेंशनड देयर इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे। तो बड़ा भारी रिवोल्यूशन होने वाला है। सो अ वेरी बिग रेवोल्यूशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया तक ही सीमित रहेगा। नहीं, इट इज नॉट दैट दिस डिस्प्यूट ऑफ नॉलेज, द वॉर ऑफ नॉलेज, द वॉर बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ विल बी लिमिटेड ओनली टू द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स। नो, विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली तो सारी दुनिया को चपेट में ले बैठी। वेन द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इमर्ज्ड फ्रॉम दिस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड द एंटायर वर्ल्ड फेल विक्टिम टू इट। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड मीन्स द सैक्रिफिशियल पिट ऑफ द फायर ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्रा। क्यों? Why? क्योंकि इस ज्ञान के अंदर सब धर्मों की सच्चाई छुपी हुई है। इट इज बिकॉज द ट्रूथ ऑफ ऑल द रिलीजन्स इज कंटेन्ड इन दिस नॉलेज। किस धर्म में कितनी सच्चाई है और वो सच्चाई कहाँ से आती है। विच रिलीजन कंटेन्स ट्रूथ टू वॉट एक्सटेंट एंड वेयर दैट ट्रूथ कम्स फ्रॉम। वो सच्चाई देने वाला कौन है हर धर्म के अंदर। हु द गिवर ऑफ दैट ट्रूथ इन एवरी रिलीजन इज। और किस धर्म में कितना झूठापन भरा हुआ है। एंड हाउ मच फॉल्सिटी इज फिल्ड इन विच रिलीजन। और वो झूठापन कहाँ से आता है।
एंड वेयर दैट फॉल्सिटी कम्स फ्रॉम, वो सब इस ज्ञान से क्लियर हो जाती है। ऑल दैट बिकम्स क्लियर थ्रू दिस नॉलेज। मनुष्यों से आता है झूठापन। द ट्रेट ऑफ फॉल्सिटी कम्स फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। और राम से आता है सच्चा। एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस कम्स फ्रॉम राम। एक बाप है सच्चा, बाकी सब झूठे। नंबर वन, द वन फादर इज ट्रू, एवरी वन एल्स इज फॉल्स टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट। नंबर वन तो होते ही। दे आर एनी वे नंबर वाइज, मीनिंग एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पिरिचुअल एफर्ट। ऐसे थोड़े ही कि सब धर्म 100% झूठे ही झूठे हैं, नहीं, उनमें सच्चाई भी है, उनमें झूठाई भी है। इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल द रिलीजन्स आर जस्ट 100% फॉल्स। नो, दे हैव ट्रूथ एज वेल एज फॉल्सिटी इन देम। इसलिए बाप जब आते हैं तो हर धर्म से आत्माओं को चुनते हैं। That is why when the father comes, he selects souls from every religion. श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करते हैं। He selects the elevated souls. और वो श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं माउंट आबू में आकर के ब्राह्मण बन के ब्रह्मा की औलाद पड़ती। And those selected elevated souls come at Mount Abu, become Brahmins, the children of Brahma, and study the knowledge. फिर उन ब्राह्मणों में से फिर से चुनाव होता है। देन फ्रॉम अमंग दोज ब्राह्मिन्स अ सिलेक्शन टेक्स प्लेस अगेन। जो ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, माउंट आबू से पढ़ाई पढ़ी जाती है। द ब्राह्मिन्स हु स्टडी द नॉलेज बिकम द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा, द नॉलेज इज स्टडीड एट माउंट आबू। सारी इंडिया में, सारी दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो बेसिक नॉलेज में ढेर के ढेर पढ़ते हैं। And it is taught to the entire India, the entire world. Numerous people study that basic knowledge. दुनिया में प्राइमरी स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी या दुनिया के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं एमए बीए के उनकी संख्या ज्यादा होगी। Will the primary schools in the world have more population or will the big colleges of MA and BA in the world have more population? MA means Master of Arts, BA means Bachelor of Arts. प्राइमरी स्कूलों की जनसंख्या ज्यादा होगी ना पढ़ने वालों की, ऐसे ही यहाँ भी पढ़ाई होगी। There will be a greater population of those studying in the primary schools, won't it? Similar is the case here in the unlimited knowledge as well. बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत हैं, ढेर हैं। There are many, numerous students who study the basic knowledge. और फिर ऊंची कक्षा में जाने वाले बहुत थोड़े, वो है एडवांस की पढ़ाई। एंड देन दोज हु आर प्रमोटेड टू द हायर क्लास आर वेरी फ्यू, दैट इज द एडवांस नॉलेज। एडवांस की पढ़ाई में भी सब धर्मों के बीज है। इवन इन द एडवांस नॉलेज देर आर द सीड्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स। अच्छे से अच्छे भी है, बुरे से बुरे और बुरे से बुरे भी। देर आर द बेस्ट वंस as well as the worst ones. जैसे basic knowledge में भी, for example in the basic knowledge too, सूर्यवंशी थे वो तो यदि के आग में ही चले गए राम के साथ साथ। The Suryavanshis, meaning those belonging to the Sun dynasty, went away along with Ram in the very beginning of the yagya. राम फेल हुआ तो सारे सूर्यवंशी फेल होकर के चले गए। When Ram failed, All the Suryavanshis failed and went away. Suryavanshi fail hote hai kya? Nahi hote. Do the Suryavanshis fail? Don't they? Suryavanshi fail nahi hote. Sab fail hote. Maya kisi ko nahi chhodti. Don't the Suryavanshis fail? Everyone fails. Maya does not spare anyone. Koi pehle fail hote hai, koi baad mein fail hote. Some fail before and some fail later. ऐसा अहंकार कोई न करे कि हम माया से फेल होने वाले नहीं है कभी। Nobody should feel egotistic thinking we will never fail against माया। माया किसी को छोड़ती नहीं है, जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान। माया डज नॉट स्पेयर एनी वन, जस्ट एज द फादर इज ऑल माइटी, माया इज ऑल्सो ऑल माइटी। बाप की पहली बच्ची है,
शी इज द फादर्स फर्स्ट डॉटर। जो बड़ा बच्चा होता है वो पावरफुल होता है, या जो बाद में पैदा होता है वो पावरफुल होता है? पहला बच्चा, पहला बच्चा पावरफुल होता है। इज द एल्डेस्ट चाइल्ड पावरफुल और इज द चाइल्ड हु इज बॉर्न लेटर पावरफुल? द फर्स्ट चाइल्ड इज पावरफुल। कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत हुई, इट इज सेड दैट व्हेन द वर्ल्ड बिगेन, कश्यप ऋषि ने जब सृष्टि रची तो उनको दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। व्हेन सेज कश्यप क्रिएटेड द वर्ल्ड ही हैड टू वाइव्स, दिति एंड अदिति। कश्यप वन ऑफ द सेवन फेमस सेजेस मेंशन्ड इन द हिंदू माइथोलॉजी। दिति से दैत्य पैदा हुए। दिति गेव बर्थ टू डीमंस, दैत्य, क्योंकि बड़ी रानी थी। बिकॉज शी वॉज द सीनियर क्वीन, और वो पहले पैदा हुए। एंड दे दैट इज द डीमंस वर बॉर्न फर्स्ट, और अदिति से देवता पैदा हुए, वो बाद में हुए। एंड अदिति गेव बर्थ टू द डीटीज, दे वर बॉर्न लेटर। तो छोटे कौन हुए, बड़े कौन हुए? सो हु वर यंगर एंड हु वर एल्डर? देवता है, छोटे हो गए और असुर बड़े हो गए। ज्यादा पावर किसको मिली? असुर को ज्यादा पावर मिली। द डीटीज वर यंगर एंड द डीमंस वर एल्डर, हु विल रिसीव मोर पावर? द डीमंस रिसीव्ड मोर पावर। इसलिए जब तक भगवान सहयोगी न बने, दैट इज वाई अंटिल गॉड बिकम्स कोऑपरेटिव, तब तक देवताएं असुरों से जीत नहीं सकती। द डीटीज कैनॉट गेन विक्ट्री ओवर द डीमंस, असुर बलवान होते हैं। डीमंस आर पावरफुल, देवताएं कमजोर पड़ जाते हैं। द डीटीज बिकम वीक, क्यों? वाई? क्योंकि देवताओं में छल छिद्र उतना नहीं होता, जब बाप आते हैं तो सच्चे होकर के बाप के साथ चलते हैं। इट इज बिकॉज द डीटीज आर नॉट डिसीटफुल टू दैट एक्सटेंट, व्हेन द फादर कम्स दे फॉलो द फादर ट्रूथफुली। सच्चे दिल पर सहावरादी हो जाता है। द मास्टर इज प्लीज्ड विद अ ट्रू हार्ट, सच्चे दिल पर साहबराजी। अभी वो ही समा बना हुआ है। नाउ द सेम सर्कमस्टांसेस आर प्रिवेलिंग, अभी ये महावारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा नहीं है, शुरू होने वाला है। नाउ दिस मैसिव वॉर ऑफ महाभारत इज नॉट जस्ट स्टैंडिंग अहेड, इट इज गोइंग टू स्टार्ट। भगवान हमारा साथी, गॉड इज अवर कंपेनियन। लेकिन ये भी है कि जो श्रीमत पर चलेंगे उनका साथी है। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ही इज द कंपेनियन ऑफ दोज हु फॉलो द श्रीमत। जो मनमत और मनुष्यों की मत पर चलेंगे उनका साथी नहीं होगा। ही विल नॉट बी द कंपेनियन ऑफ दोज हु फॉलो द ओपिनियन ऑफ द माइंड एंड द ओपिनियन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। धोखा भी वही खाएंगे जो भगवान की मत पर चलने वाले नहीं होंगे। दोज हु डोंट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ गॉड, इट इज दे हु विल बी डिसीव्ड। सदगुरु की निंदा कराने वाले होंगे तो ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? इफ दे आर द वंस हु ब्रिंग अबाउट द डेफॉर्मेशन ऑफ द सदगुरु, दे विल नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव। विच प्लेस टू लिव? न जमुना के कंठे पर जो नई दुनिया बनेगी वहाँ ठौर पाएंगे। दे विल नीदर फाइंड अ प्लेस टू लिव इन द न्यू वर्ल्ड दैट इज फॉर्म्ड एट द बैंक्स ऑफ द रिवर जमुना। और न आबू अप्पा के घर में जो शांति धाम परम धाम का समा बनेगा उसमें भी ठौर नहीं पाएंगे। कहाँ जाएंगे? Nor will they find a place to live in the house of Abu Abba, meaning the father Abu, where the atmosphere of Shantidham, meaning the abode of peace, Paramdham, meaning the supreme abode is created. Where will they go? भारत में तो पहले युद्ध होता है, महावारी महाभारत गृह युद्ध। The war, the massive civil war of Mahabharat takes place in India at first. ये तृतीय विश्व युद्ध है। This is the third world war. लेकिन अंत में होता है चतुर्थ विश्व युद्ध। But in the end, the fourth world war takes place.
तटीय विश्वविद्यालय में तो भारत और भारत के आसपास के देश अपना नुकसान करते हैं, देश नाबूद होते हैं। इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया ब्रिंग हार्म टू देमसेल्व्स, दे आर डिस्ट्रॉयड। लेकिन चतुर्थ विश्व युद्ध में तो सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। बट इन द फोर्थ वर्ल्ड वॉर द एंटायर वर्ल्ड इज सैक्रिफाइस्ड। एटम बमों की लड़ाई है, दैट इज अ वॉर ऑफ एटम बॉम्ब्स। तो वो एटम बमों की लड़ाई जब होती है तो विदेशियों के बीच में होती है। सो वेन दैट वॉर ऑफ एटम बॉम्ब्स टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द फॉरिनर्स। भारतवासी तो पहले ही ठंडे हो जाते हैं। द इंडियंस भारतवासी विल ऑलरेडी हैव बिकम वीक बाय फाइटिंग इन द सिविल वॉर। उनके पास तो ताकत रहती ही नहीं। दे वॉन्ट हैव एनी पावर लेफ्ट इन देम एट ऑल। तो उनके ऊपर कोई एटम बम की शक्ति का प्रहार क्यों करेगा। देन वाई विल एनी वन अटैक देम बाय यूजिंग द पावर ऑफ एटम बॉम्ब्स। अरे जिसके पास बंदूक होगी उसके ऊपर कोई हमला करने के लिए राइफल लेके आएगा। अरे समवन विल कम विद अ राइफल टू अटैक द वन हु हैज अ गन। जिसके ऊपर जिसके पास है ही नहीं कुछ भी हथियार, तो उसके ऊपर कोई हमला हथियार से बड़े हथियार से करने क्यों आएगा। व्हाई विल एनीवन कम टू अटैक विद अ वेपन, अ बिग वेपन, द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी वेपन विद हिम एट ऑल। तो भारत तो पहले से ही ठंडा हो जाता। सो इंडिया विल ऑलरेडी हैव बिकम वीक। विदेशों से वो लड़ाई निकलती है जहाँ एटम बमों के धमाके होते हैं, थोड़े समय के अंदर सारा दुनिया खलास हो जाता है। That war begins from the foreign countries where the explosions of the atom bombs take place and the entire world is destroyed within a short period. Abhi baap kehte hain sari duniya ke andar ye rudra gyaniya ki ka dhamasan hone wala. Now the father says this fierce battle of the Rudra Gyan Yagya is going to take place in the entire world. ऐसे नहीं समझना कि भारत और भारत के आसपास के देशों में ही होगा। Do not think that it will take place only in India and the neighboring countries of India. जो जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्मा यज्ञ में घुसी हुई है। The souls belonging to the other religions have entered the Yagya. चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस। Whether it is in the basic knowledge or in the advanced knowledge. जो बेसिक वाले हैं उनमें जो दूसरे दूसरे धर्म के घुसे हुए बैठे हैं वो ज्यादा पावरफुल है। आर द सोल्स बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन्स हु हैव एंटर्ड द बेसिक नॉलेज मोर पावरफुल, या स्वधर्मी ज्यादा पावरफुल, और आर द स्वधर्मीज मोर पावरफुल। स्वधर्मीज दोज बिलोंगिंग टू द फादर्स रिलीजन। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ द बेसिक ब्राह्मण्स, इस समय स्वधर्मी आत्माएं ज्यादा पावरफुल है या जो विधर्मी आत्माएं घुसी हुई है वो ज्यादा पावरफुल है। आर द स्वधर्मी सोल्स मोर पावरफुल एट प्रेजेंट, और आर द विधर्मी सोल्स हु हैव एंटर्ड द बेसिक नॉलेज मोर पावरफुल। विधर्मी आत्माएं ज्यादा पावरफुल, द विधर्मी सोल्स आर मोर पावरफुल। और एडवांस में, एंड वॉट इज इट इन द एडवांस पार्टी, स्वधर्मी ज्यादा पावरफुल है। आर द स्वधर्मी इज मोर पावरफुल। स्वधर्मियों में सूर्यवंश और चंद्रवंश, द सन डायनेस्टी सूर्यवंश एंड द मून डायनेस्टी चंद्रवंश आर इंक्लूडेड अमंग द स्वधर्मी। चंद्रवंश में चंद्रमा की क्या हालत है अभी। What is the condition of the moon in the moon dynasty at present? Chir hua pada hai. It has become weak. Shankar se mastak par chandrama dikhati hai. The moon is shown on the forehead of Shankar. Wo chir chandrama hai ya sampurna chandrama hai? Wo to chir chandrama hai. Is he a weak, that is incomplete moon, or a complete moon? It is an incomplete moon. Raha suryavansh. The rest is the Sun Dynasty. तो दुनियावी मान मर्तबे के आधार पर वो सूर्यवंश से ज्यादा मान मर्तबे वाला है या कम मान मर्तबे वाला
सो कंसिडरिंग द वर्ल्डली रिस्पेक्ट एंड पोजिशन, डज द सन डायनेस्टी हैव मोर रिस्पेक्ट एंड पोजिशन और डज इट हैव लेसर रिस्पेक्ट एंड पोजिशन? समवन सेड इट इज लेसर. गुप्त प्रभाव है, दुनियावी प्रभाव नहीं है. इट हैज अ हिडन इन्फ्लुएंस, इट डजंट हैव अ वर्ल्डली इन्फ्लुएंस. ईश्वरीय प्रभाव है, बाहर का पंप एंड शो का प्रभाव नहीं है. इट हैज अ डिवाइन इन्फ्लुएंस, इट डजंट हैव द सुपरफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ द पंप एंड शो. फिर भी अगर देखने में आवे तो एडवांस पार्टी में भी जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो ज्यादा पावरफुल. स्टिल व्हेन वी सी इवन इन द एडवांस पार्टी द सोल्स बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स आर मोर पावरफुल. और क्या होना है? एंड वॉट इज गोइंग टू हैपन? ज्ञान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योग, धारणाओं की गहराई की दृष्टि से और सेवा की गहराई की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द धारणा मीनिंग पुटिंग द नॉलेज इन टू प्रैक्टिस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ सर्विस. ज्यादा पावरफुल एडवांस वाले हैं या बेसिक वाले? आर दोज बिलोंगिंग टू द एडवांस पार्टी और आर दोज बिलोंगिंग टू द बेसिक पार्टी मोर पावरफुल? बेसिक वाले तो वही भक्ति मार्ग के कंठ घंट करते रहते हैं जो 63 जन्म करते आए. दोज बिलोंगिंग टू द बेसिक नॉलेज कीप प्रैक्टिसिंग द सेम ऑस्टेंटेशंस ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 63 बर्थ्स. राजा क्वालिटी की आत्मा है तो वहाँ निकलती ही नहीं. द सोल्स विद द क्वालिटी ऑफ किंग्स डू नॉट इमर्ज फ्रॉम देयर एट ऑल. प्रजा की सेवा होती है. द सर्विस ऑफ द सब्जेक्ट्स टेक्स प्लेस. और यहाँ? एंड हियर? यहाँ तो राजा क्वालिटी की आत्माओं की सेवा होती है. हियर द सर्विस ऑफ द सोल्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ किंग्स टेक्स प्लेस. हाँ ये जरूर है कि जो सूर्यवंशी है वो सूर्यवंशी क्वालिटी की आत्मा निकालते. यस इट इज सर्टन दैट द सूर्यवंशी प्रिपेयर द सोल्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ सूर्यवंशी. जो चंद्रवंशी है वो चंद्रवंशी क्वालिटी की आत्मा, जो जैसा होगा वैसा ही निकालेगा बनाएगा. द चंद्रवंशी प्रिपेयर द सोल्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ चंद्रवंशी एज इज समवन ही मेक्स समवन एल्स इन टू द सेम. लेकिन असलियत को पकड़ना एडवांस में ज्यादा हो रहा है. बट जनरली इन द एडवांस पार्टी दे आर कैचिंग होल्ड ऑफ द रियलिटी मोर. तो जो एडवांस में असलियत को पकड़ने वाले हैं लेकिन विधर्मी हैं. सो दोज इन द एडवांस पार्टी हु कैच द ट्रूथ बट आर विधर्मीज. दूसरे दूसरे धर्म से हैं वो जाकर के बेसिक के विधर्मियों से मिल जाते. दैट इज दे बिलोंग टू अदर रिलीजन्स, दे विल गो एंड ज्वाइन द विधर्मीज इन द बेसिक नॉलेज. क्या इस्लामी? इस्लामियों के बीच इस्लामियों से मिल जाएंगे. वॉट द सोल्स ऑफ इस्लाम द सीड्स ऑफ इस्लाम विल ज्वाइन दोज बिलोंगिंग टू इस्लाम. बौद्धियों के बीच बौद्धियों के आधार मूर्तों से मिल जाएंगे. द सीड्स ऑफ द बुद्धिस्ट विल ज्वाइन द रूट सोल्स ऑफ द बुद्धिस्ट. क्रिश्चियंस के बीच क्रिश्चियंस के आधार मूर्तों से मिल जाएंगे. द सीड्स ऑफ द क्रिश्चियंस विल ज्वाइन द रूट सोल्स ऑफ द क्रिश्चियंस. और दुनियावी पावर आधार मूर्तों में ज्यादा है या एडवांस वालों में ज्यादा है? एंड डू द रूट सोल्स हैव मोर वर्ल्डली पावर और डू दोज बिलोंगिंग टू द एडवांस पार्टी हैव मोर? आधार मूर्त बेसिक वालों में दुनियावी पावर ज्यादा है. द रूट सोल्स द वंस बिलोंगिंग टू द बेसिक नॉलेज हैव मोर वर्ल्डली पावर. सारे मिनिस्टर उनकी मुट्ठी में, बड़े बड़े नेता हैं उनकी मुट्ठी में. ऑल द मिनिस्टर्स आर इन देयर हैंड्स, द बिग लीडर्स आर इन देयर हैंड्स. मीडिया में अखबार वाले और टेलीविजन वाले उनकी मुट्ठी में. द पीपल बिलोंगिंग टू द न्यूज पेपर एंड द टेलीविजन सेक्शन इन द मीडिया आर इन देयर हैंड्स. बड़े बड़े ऑफिसर्स भी उनकी मुट्ठी में, पुलिस का तबका भी उनकी मुट्ठी में. द बिग ऑफिसर्स आर ऑल्सो इन देयर हैंड्स, द पुलिस क्लास इज ऑल्सो इन देयर हैंड्स. और नोटों की गड्डियां भी उनकी मुट्ठी में. एज वेल एज द बंडल्स ऑफ नोट्स आर इन देयर हैंड्स.
तो सारी पावर उधर है। सो द एंटायर पावर इज ऑन दैट साइड। और जो थोड़ी बहुत यहाँ ईश्वरीय पावर मिली भी है वो नंबर 12 अभी धर्मियों में बटी हुई है। एंड एज रिगार्ड्स द लिटिल बिट ऑफ डिवाइन पावर दैट इज अवेलेबल हियर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विधर्मीज टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट। और वो विधर्मी यहाँ की सच्चाई को लेकर के, यहाँ की कमजोरियों और विशेषताओं को लेकर के वहाँ ऐड होने वाले। एंड दोज विधर्मीज आर गोइंग टू बी एडेड देयर अलॉन्ग विद द ट्रूथ द वीकनेसेस एंड द स्पेशलिटीज दैट दे फाउंड हियर। वॉट? नहीं समझा। डिंट यू अंडरस्टैंड? चंद्रवंशी चंद्रवंशियों में मिल जाएंगे। द चंद्रवंशीज विल जॉइन द चंद्रवंशीज। यहाँ के इस्लामवंशी इस्लाम वंशियों में मिल जाएंगे। द इस्लाम वंशीज मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द इस्लाम डायनेस्टी हियर विल जॉइन विद द इस्लाम वंशीज इन द बेसिक नॉलेज। बौद्धी वंशी बौद्धियों में मिल जाएंगे। द बौद्धी वंशीज मीनिंग those belonging to the Buddhist dynasty will join the Buddhists. Christians jo hai wo Christians pe mil jayenge. The Christians will join the Christians. Aur aap kaun? Suryavanshi kahenge. Now who is left? The Suryavanshis are left. Wahan to Suryavanshi hai nahi, sare idhar aa gaye. Wo kisse mil jayenge? There are no Suryavanshis there at all. They all have come here. Whom will they join? Jiska sansar mein koi nahi hota uska baap. Ek Shiv Baba, dusra koi. The father is the companion of the one who doesn't have any companion in the world. One Shiv Baba and no one else. To bada bhari revolution hone wala hai. So a very big revolution is going to take place. Kya? What? भारी क्रांति होने वाली है। A big revolution is going to take place. जो भी इधर की सच्चाई है वो कौन के पास पहुँचने वाली? The truth on this side is going to reach them. तो ज्ञान की जो पावर है वो भी उधर पहुँचती है। दुनिया भी पावर तो उधर है ही है। So the power of knowledge also reaches that side. The worldly power is already on that side. ये भी छोटा रूप है दुनिया। Even this Brahmin family is a small form of the world. Basic की दुनिया और बीज रूप आत्मा की दुनिया, ये छोटा रूप है। The world of those belonging to the basic knowledge and the world of the seed form souls. This is a small form of the world. बड़ा रूप कौन सा है? What is the bigger form? Someone said something. No. तीन दुनियाएं हैं ना? There are three worlds, aren't there? एक तो 500 करोड़ वाली दुनिया, बाहर की दुनिया। One is the world of the 5 billion human beings, that is the outside world. एक बेसिक की दुनिया, आधार रूटों की दुनिया। The second is the world of those belonging to the basic knowledge, that is the world of the root souls. और तीसरी बीज रूप आत्माओं की, न्यूट्रल रहने वाली आत्माओं की दुनिया। एंड द थर्ड इज द वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स, द सोल्स हु रिमेन न्यूट्रल। तो तीन दुनिया है। सो देर आर थ्री वर्ल्ड्स। वो आधार रूटों की दुनिया, बीज रूप विधर्मियों से मिलकर के जो दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरु नेताएं आदि हैं, उनसे मिलकर के एक हो जाने वाले। दैट वर्ल्ड ऑफ द रूट सोल्स इज गोइंग टू जॉइन एंड बिकम वन विद द सीड फॉर्म विधर्मीज एंड देन द बिग रिलीजियस गुरुज, द लीडर्स एंड सो ऑन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या समझ में आया? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? जो एडवांस की विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं, वो आधार मूर्तों की विधर्मी आत्माओं से मिलकर के एक हो जाने वाली है। द विधर्मी सीड फॉर्म सोल्स इन द एडवांस पार्टी आर गोइंग टू यूनाइट एंड बिकम वन विद द विधर्मी सोल्स अमंग द रूट सोल्स। और वो
पहले से ही उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे दुनियावी धर्मगुरुओं के साथ. एंड दे दैट इज द रूट सोल्स आर ऑलरेडी ट्राइंग टू ज्वाइन देम दैट इज द वर्ल्ड रिलीजियस गुरुज. उनकी सारी परंपराएं उन्होंने अपना ली. वॉट दे हैव अडॉप्टेड ऑल देयर ट्रेडिशंस. जो भी गुरुओं की रीति परंपराएं हैं वो सारी अपना ली भक्ति मार्ग की. दे हैव अडॉप्टेड ऑल द कस्टम्स रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द गुरुज ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति. मेले मलाखड़े तीज त्योहार सब कुछ रथ यात्रा. ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग. ऑर्गेनाइजिंग चैरियट प्रोसेशंस. बाहर की दुनिया की जो भी बातें वो सारी आ चुकी हैं. एवरीथिंग रिलेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड हैज ऑलरेडी कम इन देयर प्रैक्टिस. तो क्या होगा. सो व्हाट विल हैपन. इसका अंजाम क्या होगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट. सब धर्मों का जखीरा चाहे बाहर की दुनिया का हो चाहे आधार मूर्तों की दुनिया का हो और चाहे बिजरूप आत्माओं की दुनिया का हो ये सारे विधर्मी मिलकर के एक तरफ. द ग्रुप ऑफ ऑल द रिलीजन्स वेदर इट इज द आउटसाइड वर्ल्ड वेदर इट इज द वर्ल्ड ऑफ द रूट सोल्स और द वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स ऑल दीज विधर्मीज टूगेदर विल बी ऑन वन साइड. और मुट्ठी भर सूर्यवंशी आत्माएं ज्ञान सूर्य बाप की तरफ. And the handful of Suryavanshi souls will be on the side of the son of knowledge, the father. अब जो हिम्मत करेगा सो पाएगा. कौन हिम्मत करेगा. Now whoever shows courage will reap the benefit. Who will show courage? निश्चय बुद्धि विजय से. अनिश्चय बुद्धि विनाश से. It is said निश्चय बुद्धि विजयते meaning those with a faithful intellect gain victory. Anishchay buddhi vinashyate meaning those with a doubting intellect are destroyed. Ab karmitu ya marmitu. Now do or die. Isliye bola hai tum bacche aaye ho sar hatheli par lekar. That is why it has been said in the murli you children have come with your heads on your hand palm. सर हथेली पर लेना मीन्स टू टेक वंस लाइफ लिटरली हेड इन वंस हैंड्स. वॉट ये सर है ये हथेली पर लेकर बाप के सामने आए हो. यू हैव कम इन फ्रंट ऑफ द फादर विद दिस हेड ऑफ योर्स ऑन योर हैंड पाम. ओम शांति. ओम शांति.